जिन जिन बच्चों ने अपना होमवर्क बना लिया है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं बनाया है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों ने अपना होमवर्क बना लिया है, अधिकतर बच्चों ने अपना होमवर्क बना लिया है। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन, जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई एवं क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की आकृतियों का परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना। और इसी परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालने के दौरान हम लोग हाल ही के क्लास में शुरू किया था समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ, ताकि जिन बच्चों का समलंब चतुर्भुज और उसके परिमाप और क्षेत्रफल में डाउट था, उन बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं एक बार फिर से समलंब चतुर्भुज। तो जैसा कि मैंने पिछले कक्षा में बताया था सारे बच्चों को कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, सारे अक्षर बच्चे बताएंगे समलंब चतुर्भुज क्या होता है, सारे अक्षर बच्चे बताएंगे। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रेटरल होता है जिनकी दो साइड पार्लल होती हैं, जिनकी दो भुजाएं पार्लल होती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों भुजा क्या होगी, पार्लल हो गई, ये हो गया समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। ठीक है, ऐसा क्वाड्रेटरल जिनकी दो साइड पार्लल हो वो ट्रेपेजियम कहलाती है। हिंदी में ऐसा चतुर्भुज जिनकी दो भुजाएं समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाती हैं। इसी प्रकार मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसकी परिमाप कितनी होगी, सभी किसी बच्चे बताएंगे इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी, जल्द से जल्द बताएंगे सर बच्चे इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी, बहुत ही सरल है, कितनी होगी। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लड़का को रखेंगे और उसको बोलेंगे क्या करो, आप इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ। बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए क्या होगा, यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ए मापेगा। फिर जब वो यहां से यहां जाएगा कितना मापेगा, ये मापेगा बी। फिर जब वो यहां से यहां आएगा तो कितना मापेगा, ये मापेगा सी। फिर उसी प्रकार जब वो यहां से यहां तक आएगा तो कितना मापेगा, ये मापेगा डी। तो इस प्रकार इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी हुई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। इस प्रकार इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चलिए हाँ हाँ ठीक है, आपने पहले क्लास में नहीं जान किया था इसलिए मैं इसको फिर से रिवीजन के रूप में आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से फिर से समझ में आ जाए कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, उसकी परिमाप क्या होती है, उसके क्षेत्रफल क्या होती है। ठीक है, इसलिए जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, यार पिछली क्लास में होते हुए भी उनको अगर समझ में नहीं आया होगा, उनको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए समलंब चतुर्भुज की पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होती है। इसी प्रकार मैं यहाँ पे सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि सारे सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे इस समलंब चतुर्भुज की, इस ट्रेपेजियम की कौन कौन सी भुजा, कौन कौन सी साइड पार्लल है, समांतर है। जल्दी बताएंगे सब बच्चे कौन कौन सी साइड समांतर है, कौन कौन सी साइड पार्लल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी साइड पार्लल है, ए बी पार्लल है सी डी के, डी सी के। यानी ए बी का मान किसका है, ए बी है आपका सी के बराबर, यानी सी पार्लल है ए के, सी पार्लल है आपका ए के, है ना, सी पैरेलल है ए के। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर समांतर भुजाओं पे पैरेलल साइड पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब रही बात यहाँ पे कि इनकी बीच की दूरी क्या होती है, इनके बीच की ऊंचाई क्या होती है। तो चलिए ऊंचाई को भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहां से यहां तक जो होती है इसको ऊंचाई बोलते हैं, इसको हम लोग दूरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ऊंचाई भी बोलते हैं, या इनको ये भी बोलते हैं कि ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, ये भी बोलते हैं क्या, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बोल सकते हैं, या और क्या बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच की ऊंचाई है। ठीक है, अब बहुत बच्चे समझ गए होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, अब उनको समझ में आ जाएगा। देखिए तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, द सम ऑफ पैरेलल साइड, समान यहां पे मैं लिख देता हूं, चलो ध्यान देंगे, समांतर भुजाओं भुजाओं का योग।
कौन कौन है समांतर भुजा, तो एक भुजा ए बी और डी सी भुजा इनटू होता है इनके बीच की दूरी जिसे हम लोग बोलेंगे ऊंचाई। इनटू क्या होता है, इनके बीच की दूरी या ऊंचाई, दोनों बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल दीजिए या दूरी बोल दीजिए, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वन बटा दो गुने समांतर भुजा कौन कौन सी है इसकी, तो समांतर भुजा ये है सी और एक क्या है ए, तो इनके बीच की समांतर भुजा कौन कौन सी हो गई, एक हो गई सी और एक हो गई ए, इन दोनों का योग, इन दोनों का सम इनटू जो दूरी है या हाइट है उसको h मान लेते हैं, इनटू हो गया h। तो ये होता है ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल, ट्रेपेजियम का एरिया, वन बटा टू द सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हिंदी में क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है वन बटा दो गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई बोलिए या दूरी बोल दीजिए, ठीक है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। कोई नहीं कोई नहीं, मैंने फिर से वही जो जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाए थे इसलिए मैंने क्या किया, समलंब चतुर्भुज को एक बार अच्छे से फिर से आपको समझा दिया था, समलंब चतुर्भुज को एक बार अच्छे से मैं आपको समझा दिया, ताकि जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं थे या उनको समझ में नहीं आया था उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से रिवीजन कराता हूं, ध्यान देंगे, मैं एक बार फिर से रिवीजन कराता हूं, ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले मैंने ये बताया कि समलंब, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए सबसे पहले मैंने ये बताया कि समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी दो भुजाएं समांतर होती है, पैरेलल होती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बी भुजा डी सी भुजा के समांतर है, पैरेलल है, ए बी भुजा डी सी भुजा के समांतर है पैरेलल, और ए बी भुजा किसके बराबर है, वो है सी के बराबर, और डी सी भुजा किसके बराबर है, वो बराबर है ए के, है ना। चलिए अब हमें पता करना था कि इनका पेरिमीटर क्या है, इनका परिमाप क्या है, तो परिमाप निकालना बहुत ही सरल है, समलंब चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मापों का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो हमने क्या किया, चारों के चारों भुजाओं को जोड़ दिया है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई परिमाप, ये हमारी क्या हो गई परिमाप हो गई। तो परिमाप निकालना सबसे सरल था। अब आती है बात की हम लोग क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो क्षेत्रफल निकालने का बहुत ही सरल तरीका है, कौन सा तरीका है, वो होता है वन बटा दो गुने समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर समांतर भुजा कौन कौन सी थी, एक समांतर भुजा थी सी और दूसरा समांतर भुजा कौन था ए, तो सी प्लस ए गुने इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, हमने दूरी किसको मान रखा है, हमने दूरी मान रखा है h को, तो इनटू h, तो ये हो जाएगी हमारी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होती है वन बटा दो गुने समांतर भुजाओं का योग गुने इनके बीच की दूरी। अगर अब सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर अब सारे बच्चों को समझ में आ गया है इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों समझ में, चलिए अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो मैं आपको एक प्रश्न देता हूं। चलिए ये आपके सामने एक प्रश्न है, योग्य ए योग्य बी योग्य सी योग्य डी, योग्य 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इनके बीच की, चलिए इसको मैं मानता हूं 4 सेंटीमीटर, इसको मैं मानता हूं 9 सेंटीमीटर, पर इनके बीच की ये जो दूरी दिया है h, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले सारे सारे बच्चे बताएंगे कि इनकी परिमाप कितनी होगी, सारे सारे बच्चे बताएंगे कि इनकी परिमाप कितनी होगी, जल्दी से जल्दी बताएंगे सर बच्चे, किसकी परिमाप, प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस, माइक ऑन करके आपको नहीं बोलना है, क्या कहा बताना आपको, आपको बताना है चैट बॉक्स में, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है, चैट बॉक्स में बताइए कि इसकी परिमाप कितनी होगी। आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान दिया गया है, आपको मान दिया गया है, मान देखिए उसको जोड़िए उसको आंसर दीजिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। देखिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे हम एक बच्चा रखते हैं, ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जब जाएगा कितना कवर करेगा, ये कवर करेगा 10 सेंटीमीटर, उसी प्रकार जब यहाँ से यहाँ आएगा कितना कवर करेगा, ये कवर करेगा 4 सेंटीमीटर, उसी प्रकार जब ये यहाँ से यहाँ आएगा कितना कवर करेगा, ये कवर करेगा 6 सेंटीमीटर, उसी प्रकार जब वो यहाँ से यहाँ आएगा कितना कवर करेगा, ये करेगा 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसने कुल कितना कवर किया, 29 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी इसकी परिमाप। चलिए इसी प्रकार सारे सारे बच्चे बताएंगे कि इसकी क्षेत्रफल कितनी होगी,
सारे अक्षर बच्चे बताएंगे इसकी क्षेत्रफल कितनी होगी, जल्द जल्द बताएंगे सर बच्चे। क्षेत्रफल होती है 1/2 गुने पैरेलल साइड का सम, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई या दूरी बोल दीजिए, है ना। चलिए ये हो जाएगा आपके पास 1/2 समांतर भुजा पैरेलल साइड कौन कौन सी है, तो एक है 6 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 + 10 इंटू इनके बीच की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 4 इंटू 4। चलिए अभी क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 1/2 गुने 10, 6 कितना होगा 16 गुने 4। अब ये क्या आएगा बताइए सर, सब क्या आएगा, देखिए 2 + 2 = 2, 2 + 8 = 16, तो 8 × 32 cm². अगर सारे बच्चों को इसका पेरिमीटर और एरिया निकालना समझ में आ गया, परिमाप और क्षेत्रफल निकालना समझ में आ गया, तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाइट करें, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सर बच्चे, स्क्रीनशॉट लेना सर बच्चे, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेंगे फिर चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। सर भैया ऐसे बताना है 1/2 मल्टीप्लाई से। हां ठीक है ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको कुछ भी पूछना है चैट बॉक्स में पूछिए, माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है, माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चे को, अगर आगे से अगर आप माइक ऑन करती है तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, सिंपल बात बता रहा हूँ। अगर आपको माइक ऑन करके कोई डाउट पूछना है तो आपको क्या करना है, क्लास के बाद हमसे माइक ऑन करके डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार यहाँ से फिर से बताता हूँ, ध्यान देंगे, देखिए चलिए मैं इसको एक बार अच्छे से बताता हूँ, ध्यान दीजिए आप, देखिए हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, सॉरी समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने, यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गुने समांतर, चलिए मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ध्यान देंगे मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ध्यान देंगे, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, इसका इंग्लिश लिखेंगे ऐसे, चलिए इंग्लिश में भी लिख दूंगा, इंटू ऊंचाई बोल दीजिए या दूरी बोल दीजिए, चलिए इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ध्यान देंगे आप लोग, 1/2 द सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल, चलिए हम इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ध्यान देंगे, पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब आती है बात की सम मतलब इसका जोर किसका, पैरेलल साइड का, ठीक है, ध्यान देंगे यहां पर हम लोग, देखिए हमारा समांतर भुजा कौन कौन सी है, समांतर साइड कौन कौन सी है, एक है 6 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है 10 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का जोर, इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 1/2 गुने इन दोनों का सम, तो 6 + 10 इन दोनों का सम हो गया इनटू इनके बीच की हाइट, हाइट क्या है हमारी, हाइट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे हम लोग इनटू 4 कर देंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए ये आएगा 1/2 गुने 10, 6 कितना होगा 16 गुने 4, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 2 × 2 = 2, 2 × 8 = 16, तो यह जगह आ चुका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए सर बच्चे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, समझ में आ गया सर बच्चे को। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है, प्रश्न उसी प्रकार से है, ये भी आपका एक समलंब चतुर्भुज है, तो बोला क्या है, यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल दे दिया गया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भुजा PS तथा QR के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, चलिए मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे, देखिए इसमें पैरेलल साइड समांतर रेखा कौन कौन सी है, SP और RQ क्या आपका समांतर रेखा है, और इनके बीच की हाइट मतलब दूरी कौन सी है, ये इनके बीच की ऊंचाई बोल दीजिए या इसको दूरी बोल दीजिए, इसको हाइट बोल दीजिए, दो भी बोल सकते हैं, ये इनके बीच की दूरी है, तो हमें यही ज्ञात करनी है, चलिए लास्ट 50 सेकेंड
45 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, और इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी करा दिया था, तो आशा करते हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होनी चाहिए। लास्ट 15 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। चले 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बच्चे, चलिए अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। चलिए ध्यान देंगे, हमें क्या दिया है, हमें आपको एरिया दिया गया, हमें क्षेत्रफल दिया गया कितना है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 90 हो गया बराबर 1/2 गुने पैरेलल साइड। तो इनकी पैरेलल साइड कौन सी, आर क्यू और एस पी, तो आर क्यू का मान है आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो 10 प्लस एस पी का मान है 8 सेंटीमीटर गुने इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, मतलब हाइट ज्ञात करनी है इनके बीच की दूरी, मतलब हमें एच ज्ञात करनी है, है ना। चलिए तो हम इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, जिस बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, सोनू सोनू रथी नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आगे तक अगर आप क्लास के बीच में अगर बोलते हैं माइक ऑन करके, तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, जैसे कि मैं अभी आपको क्लास से बाहर निकालता हूँ। अगर आपको कुछ भी बोलना है चैट बॉक्स में बोलिए कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, चैट बॉक्स में बोलना है। ठीक है, चलिए एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि आपको मेरी आवाज आ रही है या मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे सारे सारे बच्चे करेंगे। अरे ना, बहुत नहीं, बहुत नहीं। चलिए तो हमें निकालनी है एच, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 90 बराबर 1/2 गुने 10 8 18 गुने एच। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए 2 एकम 2 2 नवा 18 2 एकम 2 2 नवा 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 बराबर 9 गुने एच, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एच मतलब दूरी निकालना है, यानी 90/9, तो 9 एकम 9 9 दहिया 90, तो क्या आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाइट करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सर बच्चे, आगे समझ में सारे बच्चों को समझ में। चलिए तो हम लोग यहां तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए थे, तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप, जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सारे बच्चों को यह पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स शेप क्या होता है, जटिल आकृति क्या होती है, तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जब दो या दो से अधिक सरल आकृतियां मिलती हैं, तो एक जब आकृति बनती है, तो उस आकृति को जटिल आकृति कहते हैं। फिर मैं रिपीट करता हूं, जब दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी आकृति को क्या कहते हैं हम लोग, जटिल आकृति कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक आकृति, विभिन्न प्रकार के आकृति एक साथ मिलते हैं, तो जो आकृति बनती है वो आकृति हमारी जटिल आकृति कहलाती है। चलिए मैं एक बार इंग्लिश में बता दूं, आप सर बच्चे देखिए, जब टू और मोर देन टू शेप कंबाइन टू ईच अदर एंड मेक वन शेप, दैट शेप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स शेप। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं, देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक आकृति बनाता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में, देखिए ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो है आपको एक पंचभुज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आपको, ये पंचभुज पेंटागन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आपको, एक पंचभुज दिख रहा होगा, पंचभुज दिख रहा होगा, पेंटागन दिख रहा होगा। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि किस किस आकृति से ये मिलकर बना है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो है दो आकृति से मिलकर बना है। पहला आकृति क्या है इसका? ट्रायंगल। दूसरा आकृति क्या है इसका? रेक्टेंगल बोल दीजिए या क्वाड्रेटरल बोल दीजिए, ठीक है, चलिए कुछ भी बोल दीजिए। देखिए पहला आकृति क्या है इसका? पहला आकृति क्या है इसका? पहला आकृति है ट्रायंगल बोल देते हैं या त्रिभुज। दूसरा आकृति क्या है इसका? चतुर्भुज, क्वाड्रेटरल, है ना। दूसरा आकृति क्या है इसका? क्वाड्रेटरल। तो जब ये दोनों आकृति मिले हुए, जब ये दोनों आकृति मिले हैं तब ये आपको पंचभुज बना है, पेंटागन बना है। तो यानी कौन कौन सा आकृति से मिला है? तो पहला आकृति आपका है त्रिभुज ट्रायंगल, दूसरा आकृति क्या है आपका? चतुर्भुज क्वाड्रेटरल, ठीक है। अब कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन सा आकृति मिलकर कौन सा आकृति बना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एक आकृति हो गई, दूसरी आकृति हो गई। देखिए दो आकृति मिला है तो हमारे पास क्या मिला है? हमें एक पंचभुज मिला है, मतलब हमें एक कॉम्प्लेक्स शेप मिला है, हमें एक जटिल आकृति मिली है, हमें एक जटिल आकृति मिली है। और इस जटिल आकृति में कम से कम कितने शेप हैं? तो इस जटिल आकृति में कम से कम दो शेप हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि जटिल आकृति क्या होती है, जिसमें दो या दो से अधिक आकृति होती हैं, उससे हम लोग जटिल आकृति या कॉम्प्लेक्स शेप कहते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट पर करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट पर करेंगे। सारे बच्चे आए सारे बच्चों को समझ में? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट पर करेंगे। चलिए इसी चीज को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। देखिए यहाँ पे हमें एक पेंटागन दिख रहा है, ये हो गई हमारी पेंटागन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो आकृति से मिलकर बना है। पहला आकृति त्रिभुज, दूसरा आकृति क्या आपका? चतुर्भुज। पहला आकृति हो गया त्रिभुज, दूसरा आकृति क्या हो गया आपका? चतुर्भुज, है ना। पहला आकृति हो गया आपका त्रिभुज, दूसरा आकृति क्या हो गया? चतुर्भुज। तो इस प्रकार ये जो आकृति है आपकी जटिल आकृति है। इस प्रकार ये जो आकृति आपकी क्या है? जटिल आकृति है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। चलिए एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, ध्यान देंगे सर बच्चे। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं सर बच्चे, ध्यान देंगे। चलिए यहां बताएंगे सर बच्चे कि ये जो आकृति है किन किन जटिल आकृतियों से मिलकर बनी है। तो ध्यान देंगे सर बच्चे, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका पहला आकृति, ये हो जाएगा आपका दूसरी आकृति, और ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा तीसरी आकृति। तो इस प्रकार ये जो आकृति है तीन आयत से मिलकर बना है, या बोल सकते हैं तीन चतुर्भुज से मिलकर बना है। देखिए इसका मतलब ये तीन चतुर्भुज से मिलकर बना है, या बोल सकते हैं तीन आयत से मिलकर बना है। आयत से मिलकर बना है, रेक्टेंगल से मिलकर बना है, या बोल सकते हैं तीन चतुर्भुज से मिलकर बना है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जटिल आकृति होती है वो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के आकृतियों से मिलकर बनती है। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जटिल आकृति क्या होती है? ऐसी आकृति होती है जो दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के आकृतियों से मिलकर बनती है, तो उसे हम लोग जटिल आकृति कॉम्प्लेक्स शेप कहते हैं। आगे समझ में? चलिए अब रही बात कि हम यहाँ पे जटिल आकृति पढ़ क्यों रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे जटिल आकृति का क्षेत्रफल एरिया प्राप्त करने के लिए उसे पढ़ रहे हैं। जैसे कि जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब जटिल आकृतियों का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप हम लोग कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब क्या है, किसी भी जटिल आकृति का क्षेत्रफल जो होता है वो छोटी सरल आकृतियों के क्षेत्रफल के, देखिए यहाँ क्या लिखा है, योग से ज्ञात किया जाता है। चलिए इसको मैं समझा देता हूँ आपको एक डायग्राम के जरिए। चलिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ एक डायग्राम के जरिए। चलिए ये डायग्राम देख लेते हैं हम, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, मान लेते हैं हमने जो पहला बनाया था, चलिए मैं बनाता हूँ फिर से आपको एक पंचभुज। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पंचभुज, ये हो गया आपका पंचभुज। अब हमें प्राप्त करना है कि कौन कौन से जटिल आकृति से मिलकर बना है। तो ये जो है एक त्रिभुज से मिलकर बना है, चलिए मैं यहां त्रिभुज बनाता हूं।
ये जो है त्रिभुज से मिलकर बना है और एक चतुर्भुज से मिलकर बना है। जो चतुर्भुज जो है आपका एक आयत की तरह है, जो चतुर्भुज क्या आपका एक आयत की तरह है। तो अगर हमें इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल पता करना है तो इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है उस आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है। तो इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल होगा, इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल होगा ये, इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है? इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये है, तो ये इस आकृति का क्षेत्रफल होगा। तो अब अगर हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए मैं उसको लिख के दिखाता हूं, ध्यान देंगे। अगर हमें इस जटिल जटिल आकृति का क्षेत्रफल चाहिए, जटिल आकृति का अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए तो वो क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़, इसको किससे जोड़ना है, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर, जोड़ चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अगर हमें इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल चाहिए सर, तो स्क्रीन हमें इन दोनों आकृतियों के जोड़ को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा, तो हमें इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, फिर चैट बॉक्स में व्हाट्सएप करेंगे। बहुत ही सरल है, जिन 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 विभिन्न प्रकार की आकृतियों में वो डिवाइड होती है, अलग होती है, उन आकृतियों का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे। चलिए मैं इसको इंग्लिश में ध्यान देंगे। देखिए हम क्या करते हैं, ये जो पंचभुज दिया हुआ है इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हमने देखा कि ये जो पंचभुज है ये दो प्रकार के शेप में डिवाइड हुआ, पहला ट्रायंगल में, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए, फिर दूसरा क्वाड्रेटरल में, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटरल का एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स शेप का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया जोर इस क्वाड्रेटरल का एरिया, दोनों के एरिया को जोड़ेंगे तो हमें इस जटिल आकृति कॉम्प्लेक्स शेप का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था उन बच्चों को भी समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे, अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे, आगे समझ में। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन दिया गया है दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति है आपका जटिल आकृति है जिसमें कि आपको दो आकृति दिख रही होगी, सरलतापूर्वक इस आकृति को देखिए और इस सरलतापूर्वक इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1.5 मिनट, प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको दो आकृति दिखेगी। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देते चलता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी बना पाएंगे। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड,
लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत ही सरल है, आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ आयत का क्षेत्रफल कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, जितना आएगा वही हमारी जटिल आकृति का क्षेत्रफल होगा। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए बहुत ही सरल प्रश्न है, हमें यहाँ पे दिखा है एक जटिल आकृति जो कि पेंटागन पंचभुज के आकार का है, तो मैंने इसे दो बराबर दो प्रकार के आकृति में बांट दिया, एक हो गया त्रिभुज, दूसरा हो गया आयत। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए, सबसे पहले हम त्रिभुज का निकालते हैं। तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो इसकी आधार कितनी हुई, चलिए इसकी आधार कितनी हुई, तो ये जितना होगा उतने ये होगा, यानी आधार हो गई 6 सेंटीमीटर। अब रही बात की इसकी ऊंचाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी ऊंचाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए ये 90 है, तो यहाँ पे भी 90 होगा, यानी ये जो होगा आपकी ऊंचाई है। अब रही बात की ऊंचाई का मान कितना होगा, तो ध्यान देंगे, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यहीं पे, देखिए यहां से यहां तक 5 है, इसका मतलब यहां से यहां तक कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, और ये कुल कितना लंबाई की है, 8 सेंटीमीटर लंबाई की है, यानी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी होगी, तो 8 - 5 कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2, आधार है 6 गुने ऊंचाई है 3। अब इसको देखते हैं, तो देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 3 × 9 cm², 3 × 9 cm², है ना। चलिए इसी प्रकार अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपका आयत का क्षेत्रफल, दूसरा क्या है आपका आयत का क्षेत्रफल, बहुत ही सरल होता है। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ गुने ब्रेथ, ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ गुने ब्रेथ, लेंथ हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6×25 = 30 cm², है ना। इस प्रकार हमें दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल मिल गया, इसका मिल गया 9 cm² और इसका मिल गया 30 cm². तो बताइए सारे सर बच्चे कि इस जटिल आकृति का फिर क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल होगा, इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल होगा आपके पास क्या होगा, बताइए सर बच्चे, 9 + 30, तो ये हो जाएगा 39 cm². कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट कीजिए, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इस जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सारे सारे बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों को समझ में आता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो अब दूसरा कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा कंसेप्ट है आपका सर्वांशम आकृतियों का क्षेत्रफल। दूसरा कंसेप्ट क्या है, सर्वांशम आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कंग्रुएंट फिगर। तो सर्वांशम आकृतियों का क्षेत्रफल करने को पढ़ने से पहले मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सर्वांशम आकृतियां क्या होती हैं, सारे सर बच्चे बताएंगे सर्वांशम आकृति क्या होती है, कंग्रुएंट फिगर क्या होता है। बहुत बढ़िया बोलते हैं, इसका नाम से ही क्लियर, देखिए इसका नाम से क्लियर, सर्वांशम मतलब सभी भुजाएं बराबर हो, सभी चीज से बराबर हो, सभी के सभी बराबर हो। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऐसा मोबाइल है जो आपके पास भी वही सेम मोबाइल है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ओप्पो रेनो 6 है, अगर आपके पास भी ओप्पो रेनो 6 होगा तो वो दोनों मोबाइल क्या होंगे, आपस में सर्वांशम होंगे, कंग्रुएंट होंगे, मतलब वो डुप्लीकेट। इसका सरल भाषण क्या याद रखेंगे, बहुत ही ऑल साइड्स इक्वल हो और एंगल बराबर हो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सरल भाषण याद रखिए डुप्लीकेट, है ना, सरल भाषण क्या लिखिए, डुप्लीकेट हो,
तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी सर्वांशम शेप कहलाएगी, कंग्रुएंट शेप कहलाएगी या सर्वांशम आकृति कहलाएगी। अब रही बात कि हम लोग यहाँ पे सर्वांशम आकृति की क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे सर्वांशम आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं, एरिया ऑफ कंग्रुएंट फिगर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या है, सभी बच्चे ध्यान देंगे क्या लिखा है, सभी बच्चे ध्यान देंगे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सर्वांशम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। याद रखेंगे सर बच्चे कि कंग्रुएंट फिगर का, कंग्रुएंट शेप का एरिया हमेशा इक्वल होता है, कंग्रुएंट शेप का एरिया हमेशा इक्वल होता है, सर्वांशम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। ठीक है, चलिए अब आती है बात किसको हम लोग समझें कैसे, चलिए इंग्लिश में बताएं, समझिए, कंग्रुएंट शेप का एरिया हमेशा इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए, चलिए ध्यान देंगे। मैं क्या करता हूँ आपके लिए, दो त्रिभुज बनाता हूँ, चलिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, मैंने आपके लिए क्या किया, दो त्रिभुज बनाया। चलिए ये हो गया पहला त्रिभुज जिसका नाम हो ए, हो गया बी, हो गया सी, हो गया पी, हो गया क्यू और हो गया आर, है ना। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको मानता हूँ 6 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मानता हूँ 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, है ना। अगर मैं बोलूं कि इसका मान है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये दोनों ट्रायंगल, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, कंग्रुएंट है, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, कंग्रुएंट है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है, क्योंकि इनके तीनों के तीनों भुजाएं इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है, यानी ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब मैं ज्यामिति पढ़ा रहा था वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो चिन्ह होता है ये सर्वांशम का चिन्ह होता है, ये सर्वांशम का चिन्ह होता है। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, आपस में सर्वांशम हो गए। ठीक है, चलिए अब आती है बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों त्रिभुज का, हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ध्यान देंगे। तो देखिए इनका जितना हाइट होगा, मान लेते हैं और इनका हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो इनका भी हाइट कितना होगा, इनका भी हाइट जो होगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बराबर हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस त्रिभुज का, त्रिभुज एबीसी का मैं क्षेत्रफल ज्ञात करता हूँ। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार, इसका आधार कितना है, आधार है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 गुने इसकी ऊंचाई कितनी, ऊंचाई है 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × 2, 2 × 5, 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिभुज पी की एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर का, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करता हूँ। तो देखिए इसका भी क्षेत्रफल कितना का, इसका भी क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है 5 गुने ऊंचाई कितना है 10, तो ये भी आएगा आपके पास 2 × 2, 2 × 5, 10, तो ये भी आएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज अगर सर्वांशम है, देखिए दोनों त्रिभुज अगर आपके सर्वांशम है तो इनका क्षेत्रफल भी, तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि जब दो आकृति, दो शेप कंग्रुएंट होते हैं, सर्वांशम होते हैं, तो उनका क्षेत्रफल, उनका एरिया हमेशा हमेशा बराबर होती है, हमेशा हमेशा बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। देखो मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए अगर आपके पास दो आकृति, जैसे कि यहाँ पे आपको आकृति दिख रहा था, एक त्रिभुज था त्रिभुज ए बी सी
और एक त्रिभुज था, त्रिभुज पी क्यू आर, दो ट्रायंगल था, इन दोनों दोनों ट्रायंगल क्या था, ये दोनों ट्रायंगल आपके सर्वांगसम थे, कॉन्ग्रूएंट थे, ठीक है। तो हमने पता किया कि क्या ये दोनों त्रिभुज का एरिया भी बराबर है, क्या ये दोनों ट्रायंगल का एरिया भी बराबर होता है। मैंने निकाला कि त्रिभुज एबीसी का एरिया निकाला जो क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसी प्रकार त्रिभुज पीक्यूआर का निकाला वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमें मिला कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल के बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर के बराबर है। इस प्रकार हम लोग ये निष्कर्ष पे निकले कि सर्वांगसम आकृतियों का कंग्रुएंट फिगर का हमेशा 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 एरिया सेम होता है। अब सर बच्चों को समझ में आ गया होगा, अगर अभी सर बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर अभी सर बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो देखिए इस स्टेटमेंट का उल्टा स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट का उल्टा स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट था कि अगर सर्वांगसम होगी कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगी, इसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगी। ये हो गया पहला स्टेटमेंट, पहला कथन। चलिए इसका हम लोग दूसरा कथन देखते हैं, इसको उल्टा करते हैं। इसका उल्टा कथन क्या है, अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो क्या, तो क्या आकृति सर्वांगसम होगी, सारे सर्वे बताएंगे तो क्या आकृति सर्वांगसम होगी। मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, अगर होगी तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं होगी तो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। सर्वांगसम होती है तो क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो क्या आकृति क्या जो शेप को सर्वांगसम होगी। चलिए इसका उत्तर मैं अभी दूंगा आपको, देखिए वो बराबर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो बराबर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। चलिए मैं इंग्लिश में ध्यान देंगे, चलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर दो आकृति कंग्रुएंट हो तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है ना, लेकिन अगर दो आकृति का एरिया इक्वल हो तो क्या वो दोनों आकृति कंग्रुएंट होंगी, क्या दोनों शेप कंग्रुएंट होगी। तो देखिए वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, अधिकतर बच्चे बोल रहे होंगे। चलिए मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूं कि वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए कि अगर समान क्षेत्रफल वाली आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं होता है, अगर दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल, दोनों आकृति जो है सर्वांगसम हो, कंग्रुएंट हो। हम लोग क्या करते हैं, इन दो आकृति के जब इन दोनों आकृतियों के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि अगर इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होगी तो क्या ये दोनों सर्वांगसम है, देख लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे, चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो ये आएगा आपके पास 1/2 आधार, कितना आधार है 6 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं, ये होगा आपके पास 2 × 2, 2 × 4, तो यहां से ये आपके पास, यहां से आपके पास ये आया 6 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस जो रेक्टेंगल दिया है इसका भी क्षेत्रफल क्या बराबर है, अब हम देखते हैं जो रेक्टेंगल दिया है क्या इसका भी क्षेत्रफल बराबर है, तो यानी आयत का क्षेत्रफल देख लेते क्या बराबर है, ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ये हो गया आपके पास लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस आयत का क्षेत्रफल कितना आया, इस आयत का क्षेत्रफल आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों की आकृति का क्षेत्रफल कितना है 12 सेंटीमीटर, दोनों आकृति का क्षेत्रफल कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या ये दोनों आकृति सर्वांगसम है, अगर ये दोनों आकृति सर्वांगसम है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए, क्या ये दोनों आकृति सर्वांगसम है, क्या ये दोनों आकृति सर्वांगसम है, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। आपको ये दोनों आकृति कैसे सर्वांगसम दिख रहा है, ये सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम होने के लिए इसकी सारी की सारी भुजाएं इसके सारे के सारे भुजाओं के बराबर होनी चाहिए, तो क्या देखिए 5 सेंटीमीटर है, क्या इधर हमें कहीं 5 सेंटीमीटर दिख रहा है,
ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये कहीं भी किसी तरह से ये सर्वांगसम नहीं है। मैंने सर्वांगसम के लिए क्या बताया था, सर्वांगसम के लिए ये बताया था कि वो उसका डुप्लीकेट होना चाहिए, जितनी भुजा इसकी है उतनी भुजा उसकी भी होनी चाहिए, जितनी भुजा की माप इसकी है उतनी भुजा की माप इसकी होनी चाहिए। इस प्रकार ये दोनों आकृति सर्वांगसम नहीं है, कंगुरवेंट नहीं है, है ना, कंगुरवेंट नहीं है। तो मैंने यही बताया कि इसका उल्टा क्या होता है कि अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो ये हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि ये दोनों आकृति जो है सर्वांगसम हो या ना हो, भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। चलिए अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को, बहुत बढ़िया बुक में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इस प्रश्नों का आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया है अगर दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं तो उनका एरिया, उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। मैंने क्या बताया था, दो आकृतियां अगर सर्वांगसम होती हैं, कंग्रुएंट होती हैं, तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। लास्ट 1.5 मिनट, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक इस प्रश्न का उत्तर जितने बच्चों ने दिया, अधिकतर बच्चों, एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिसका उत्तर गलत हो। लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हमने क्या सीखा, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान देते बच्चे, देखिए हमें बोला है कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए तो मैंने बोला कि अगर दो आकृतियां अगर हमेशा सर्वांगसम होती हैं, कंग्रुएंट होती हैं, तो उन दो आकृतियों का क्षेत्रफल भी हमेशा बराबर होगा। तो देखते हैं क्या ये दोनों आकृति, क्या ये दोनों आकृति सर्वांगसम है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, तो ये देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एसी भुजा, तो देखिए एसी किसके बराबर है, पीक्यू के, तो एसी बराबर हो गया पीक्यू के जो कि है 4 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी भुजा साइड, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग, ये बीच वाला एंगल हो गया, एंगल सी बराबर है एंगल क्यू के जो है 70 डिग्री। ये हो गया हमारा बीच का कोण, है ना, भुजा कोण भुजा। चलिए अभी देखते हैं ये हो गया आपके पास, देखिए बीसी, तो बीसी कितने बराबर है, बीसी बराबर है क्यूआर के जो कि है आपका 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास भुजा। तो हमने एक सर्वांगसम का क्राइटेरिया पढ़ा था, क्या था कि भुजा कोण भुजा, ये हो गया साइड एस ए एस। तो ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, किसके जरिए, किसके जरिए हमने पढ़ा था, किसके जरिए, बाई एस ए एस, बाई भुजा कोण भुजा, एस ए एस क्राइटेरिया के अनुसार, भुजा कोण भुजा के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और हमें पता है कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो उनका क्षेत्रफल जो होता है वो भी बराबर होता है। तो क्षेत्रफल जो होगा पी क्यू आर का वो बराबर होगा क्षेत्रफल ऑफ
ट्रेंगल एबीसी के, तो ये भी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? क्षेत्रफल पी क्यू आर का हो जाएगा, क्षेत्रफल पी क्यू आर का हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट पढ़ेंगे। सर बच्चे आगे समझ, सर बच्चों को बहुत नहीं बोलते। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसी पर आधारित एक और प्रश्न है, इसी पर आधारित एक और प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर भी जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको मात्र अब 1 मिनट का वक्त है। आपके पास कितना मिनट का वक्त है? 1 मिनट का वक्त है। इस प्रश्न को सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए, ये दोनों त्रिभुज बोला है, दोनों त्रिभुज पहले ही बोल दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल कितना बराबर होगा? दोनों बराबर होगा। यानी इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा। तो ये भी होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का सेम होगा। चलिए ठीक है, इसका मतलब कि हमें त्रिभुज पी क्यू आर का आधार निकालना है। तो हमें देखिए क्षेत्रफल मिल गया, ऊंचाई मिल गया, हम आसानी से आधार निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होनी चाहिए, सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। चलिए, लास्ट 40 सेकेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। लास्ट 40 सेकेंड, अगर हमें क्षेत्रफल दिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई मिल गया हमें 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें आधार ज्ञात करना है। लास्ट 30 सेकेंड, हमें सिर्फ आधार पता करना है। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इतना हिंट काफी है। लास्ट 20 सेकेंड, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों का उत्तर इस प्रश्न का सही होगा। लास्ट 15 सेकेंड, चलिए 10 सेकेंड, मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान देंगे। देखिए, हमें पता है क्या क्वेश्चन बोला है? क्वेश्चन बोला है यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हमें पता है जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। यानी जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा। चलिए, अब हमें बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर का आधार ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है? त्रिभुज पी क्यू आर का आधार ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए, बहुत ही सरल है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल दिया गया है और इसकी ऊंचाई हमें पता है तो हम आधार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई और इसका क्षेत्रफल दिया 28 बराबर जाएगा 1/2 आधार कितना है? आधार हम निकालना हमें गुने ऊंचाई, ऊंचाई हो गया 7। चलिए, आप क्या करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो नीचे उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऊपर है उसे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 28 × 2/7, ये हो जाएगा आपके पास आधार। जो नीचे था उसको ऊपर ले गए, जो ऊपर था उसे नीचे लेकर आ गए। अब देखते हैं इसको कटाते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 7, 7 × 4 = 28, तो ये हो जाएगा 4 × 8 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? तो हमारा जो है ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। सारे सर बच्चे क्या करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। चलिए, सारे सर बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई क्या करेंगे। चलिए, एक बार सारे सारे बच्चे बताएंगे
मैंने चैट बॉक्स में एक माध्यम नाम से एक पोल लॉन्च किया है, माध्यम नाम से, मीडियम नाम से एक पोल लॉन्च किया है। तो जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं वो ए टाइप करेंगे, जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं वो ए टाइप करेंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो बच्चे बी टाइप करेंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो बच्चे बी टाइप करेंगे। पोल सेक्शन में जाकर टाइप करना है। कहाँ टाइप करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर टाइप करना है। मैंने पोल सेक्शन लॉन्च किया है, वहां पे सारे बच्चों करना है, जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं वो बच्चे ए टाइप करेंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो बच्चे बी टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे, सारे बच्चों को करना है।